आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल और प्यारे से क्रिस्टल को लेके, और जिसको कि हम बोलते हैं मास्टर हीलर, है ना। और उसका जो नाम है वो है क्लियर क्वार्ट्ज, राइट। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली, और आज मैं बात करूंगी आपसे एक बहुत ही प्यारे से क्रिस्टल को लेके, जिसको कि हम बोला, जिसको हम बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। और आज क्लियर क्वार्ट्ज है मेरे पास कुछ इस शेप की, जिसको मैं बोलती हूँ पाम शेप, है ना। यानी कि जब हम इसको पाम में रखते हैं और इस तरह से जब हम मेडिटेट करते हैं, सो किस तरह से आप जो है कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जीज को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को काम डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज दी क्रिस्टल जिसको जिसका नाम मैंने बताया कि क्लियर क्वार्ट्ज। सो क्लियर क्वार्ट्ज बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मैं कहूँगी कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करता है, इन्हांस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है क्लियर क्वार्ट्ज का, मुझे ये माला मुझे बहुत पसंद है। हालांकि गले में नहीं पहनती हूँ मैं, बट मैं हाथ में पहनती हूँ, है ना। सो इसे जब भी मैं पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जीज जो हैं काफ़ी इन्हांस होती चली जा रही हैं, और मैं हर सिचुएशन में अपने आप को काम रखने की कोशिश करती हूँ, और जो मैं करती भी हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेके बहुत लाइटर वे में मैं ले लेती हूँ, और तभी मुझे कहा जाता है, अरे यार तुम्हें तो बुरा नहीं लगता, अरे यार तुम हंस क्यों रही हो, है ना। तो मतलब दिस इज हाउ इट हेल्प्स मी। सो मुझे बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत जल्दी चीज़ें, मतलब किसी की बातों का से मेरे को हर्ट नहीं मैं हो पाती हूँ। ऑब्वियसली दैट आई एम अ हीलर एंड आई नो दैट हाउ टू बैलेंस एंड हील माई सेल्फ, एक वो भी एक फैक्टर है। बट उसके साथ जब मैं क्रिस्टल्स को कंबाइन कर देती हूँ, बिकॉज ये क्रिस्टल्स भी जो हैं मेरी उस रेकी एनर्जी से बार बार चार्ज होते रहते हैं, क्लेंस होते रहते हैं, तो डेफिनेटली जब वो रेकी और जब क्रिस्टल्स कंबाइन करके जब मैं अपने ऊपर जब मैं काम करती हूँ, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही अमेजिंग आता है, राइट। सो डेफिनेटली एक तो ये है क्रिस्टल, है ना, क्लियर क्वार्ट्ज की, एक तो ये आपका प्रॉपर्टी रहती है। दूसरा, ऑफ कोर्स यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ क्लियर क्वार्ट्ज। कैसे? देखिए, जैसे मेरे पास पाम क्रिस्टल है ना, तो क्या करती हूँ मैं, और एक इसमें आता है पिरामिड शेप भी आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए मेरी कोई विश है, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड आप बोल सकते हैं, आपने कुछ मैनिफेस्ट करना है अपनी नई जॉब को, या कुछ मनी को लेके आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपनी जो इनकम है उसको आप डबल ट्रिपल अप करना चाह रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्लिप लीजिए, येलो कलर का आप स्लिप ले लीजिए या वाइट ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है इजिली, ठीक है। उसको स्क्वायर में काटिए, ठीक है, स्क्वायर में काटिए, और उसके बाद उसके अंदर एक उससे रिलेटेड जो है प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेशन आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम अर्निंग 2 लाख ऑफ रुपीज पर मंथ, राइट, वेरी इजिली एंड कंसिस्टेंटली। सो ऐसे करके आपने एक अपनी अफर्मेशन बनाई। नाउ आए के बाद आप लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, अपना नाम जरूर लिखिएगा। और अगर आए के बाद अपना नाम लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, नीचे उस अफर्मेशन के नीचे आपने साइन कर देना है, ठीक है। साइन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ रहेगा, तो आपने उसके नीचे अपना नाम लिख देना है, राइट। तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, अपना एक सिंगल नाम भी लिख सकते हैं, है ना। सो आप किस तरह से भी आप नेम अपना लिख देंगे। लिखने के बाद उसको आप करेंगे अपनी तरफ फोल्ड, ठीक है, एक बारी फोल्ड किया, दो बारी फोल्ड किया, तीन बारी फोल्ड किया, करने के बाद आप जो है उसको इस क्रिस्टल के आप नीचे रख देंगे, ठीक है। अब वो पिरामिड शेप रहेगा क्रिस्टल का, तो नथिंग लाइक दैट, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप मान लीजिए आपके पास पिरामिड शेप नहीं है, आपके पास इस तरह का कोई बड़ा सा एक क्लियर क्वार्ट्ज है, तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो आपने क्या करना, देखिए मनी से रिलेटेड होगा तो मैं कहूंगी कि पायराइट यूज करिए, वो उसके लिए फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट हाँ, अगर आपने जैसे मान लीजिए पायराइट नहीं भी है आपके पास, कोई भी दूसरा कोई क्रिस्टल होता है, क्योंकि मनी के लिए ना एक स्पेसिफिक कुछ अपने क्रिस्टल्स हैं, सो इसमें भी आप रख सकते हैं, इसकी हेल्प से भी आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ। तो आपने क्या करा, वो पेपर को आपने रखा इसके नीचे,
और नीचे रखने के बाद जो है आपने उसको वहीं पर ही छोड़ देना है, ठीक है? वहीं पर ही छोड़ देंगे। कितने दिन छोड़ेंगे? जब तक कि आपकी विश फुलफिल नहीं हो जाती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर तो आप बिल्कुल न्यू बिगनर हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं कहूँगी छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करिए, राइट? बिकॉज छोटे गोल्स जो हैं आपको मतलब होता ना कि जब आपके छोटे छोटे गोल्स जो हैं, जब आपके पूरे होते चले जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा अपने ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा इन किसी भी यू नो रिचुअल्स के ऊपर, या जो भी मैं स्पेल बताती हूँ, जो भी मैं टेक्निक्स बताती हूँ, तो आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा, तो आप फिर धीरे धीरे अपने गोल्स को बढ़ाते जाइए। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए ये सारी रिचुअल्स हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, जो भी है, एक्शन लेना मत भूलिएगा, है ना? एक्शन जब तक नहीं लेंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपने कहा कि चलो ठीक है, मैंने बताया, आपने पेपर फोल्ड करके रखा, और उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, और आपने कहा कि चलो ठीक है, अपने आप ही कहीं से पैसा बरस पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो काम करते रहना पड़ेगा, तब जाके देखिए ये सब हमें सपोर्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो एंजल नंबर्स हैं, चाहे वो कोई स्विच वर्ड है, चाहे कोई क्रिस्टल है, ये हमको सपोर्ट करते हैं, है ना? तो ये दीज आर जस्ट लाइक टूल्स, मगर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जब आप उसके लिए, जो अपने गोल के लिए, उसके जब तक आप काम नहीं करेंगे, है ना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना? सो एक ये तरीका हुआ कि आपने इसकी हेल्प से जैसे मैंने बोला, उसके नीचे आप पेपर रख के आप छोड़ देंगे, और तब तक छोड़ दीजिए जब तक कि यू नो जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ ठीक है, अब मेरा गोल अचीव मैं करने वाला हूँ, या मेरा गोल अचीव हो गया है। और करें तो पूरे ट्रस्ट और फेथ के साथ करें। आपको ट्रस्ट और फेथ नहीं रहेगा, आपको डाउट रहेगा, तो मैं कहूँगी बिल्कुल मत करिएगा, राइट? बिकॉज उसमें आपको नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आप डाउट करेंगे, आप कहेंगे कि मैंने करा तो है, हो नहीं रहा, मैंने करा तो है, हो नहीं रहा, है ना? तो उसका मतलब कि आपका फोकस है कि यूनिवर्स आपकी बात सुने और आपको कुछ जादू की छड़ी घुमाए, और ऐसा कुछ यू नो आपके गोल्स आपके सामने ला के रख दे। ऐसा नहीं होता है, है ना? बिकॉज मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि मैंने जब भी अगर ऐसा कुछ किया है, तो करके मैंने हमेशा उसको लेट गो किया है। लेट गो इन द सेंस कि मैंने वहाँ पे रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चीज़ को मैंने अप्लाई किया, रखा, बट उसके बाद मैं फोकस लगाया अपने काम के ऊपर, और जब मैं अपने काम के ऊपर फोकस लगाती हूँ, तो वो रिजल्ट मुझे मतलब इतना इतना ईजिली मिल जाता है। बिकॉज ऐसा होता है ना कि ये क्रिस्टल्स जो है आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर वो नए आइडियाज जनरेट करते हैं, कि जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स अचीव कर सकें ईजिली, ठीक है? सो ऐसे करके आपने क्रिस्टल्स को यूज़ करना है। एंड आई रियली होप दैट बिफोर यूजिंग एनी क्रिस्टल, यू नो दैट हाउ टू क्लेंस देम, हाउ टू चार्ज देम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू प्रोग्राम देम। और अगर आपको नहीं आता है, तो डोंट वरी, बिकॉज मेरे कोर्सेज बहुत जल्दी आने वाले हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, क्रिस्टल्स रिलेटेड, एंजल्स रिलेटेड, जो है वहाँ पे बेसिक एडवांस लेवल दोनों कोर्सेज रहेंगे। उसके लिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि कब आप जाके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और वहाँ से आप ले सकते हैं मेरे कोर्सेज। और यही नहीं, मेरी सपोर्ट क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में, वंस यू परचेज, यू नो, वंस यू हैव टेकन दैट कोर्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम माई वेबसाइट, राइट? सो एक ये चीज़ भी रहेगा। और जब तक कि वहाँ पर नहीं अभी अपलोड हुआ है, तो तब तक मैं कहूँगी कि अगर आपको नहीं पता कि क्रिस्टल्स को यूज़ कैसे किया जाता है, तो आप जो है मुझसे आप ये क्रिस्टल ले भी सकते हैं। यू कैन यू नो डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, विच इज़ 9989724703। मैं आपको क्लेंस, चार्ज और प्रोग्राम आपके नाम से वो मैं करके दूंगी, राइट? सो ऐसे करके, बिकॉज होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं अमेजोन पे या किसी साइट पे चले जाते हैं, वहाँ से हम क्रिस्टल्स ले लेते हैं, बट काम नहीं करते हैं वो जब तक कि उनको क्लेंजिंग, चार्जिंग और उनकी प्रोग्राम नहीं करी जाती है, क्योंकि उनको जब तक बताया नहीं जाता कि तुम्हारा काम क्या है, तब तक वो आपके लिए काम नहीं कर पाते हैं, है ना? बिकॉज ऐसे बहुत सारे मुझे, मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती। ऑफकोर्स ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी ही नहीं जब तक कि आपको उसके बारे में कंप्लीट थरो नॉलेज नहीं रहेगी, और जब तक कि आप किसी चीज़ को पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ नहीं करेंगे, नहीं काम करेंगी ऐसी चीज़ें आपके साथ, राइट? सो या, सो इस वीडियो में इतना ही।
यू नो दिस इज़ वेरी पावरफुल क्रिस्टल। इसके साथ जब हम ऐसे मेडिटेट भी करते हैं तो आपकी एनर्जीज काम डाउन होनी शुरू हो जाती है, आप एक बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं, आपको किसी की बातों का बुरा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, यू नो मैं सिर्फ क्रिस्टल्स नहीं कहूँगी, मैं एक जैसे कि मेरी जर्नी जो रही हीलिंग से रही है, एंड आई एम अ रेकी मास्टर, आई एम अ रेकी टीचर, सो डेफिनेटली वो रेकी भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों में, है ना? सो या ठीक है, सो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप मेरे चैनल पे नए हैं, और इसको शेयर भी करते रहिए, है ना? जिनको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उनके साथ हमारा फर्ज बनता है कि हम ये जो नॉलेज है जो आप तक पहुँच रही है वो दूसरों तक भी पहुँचनी चाहिए, है ना? तो बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई लव यू ऑल।